जम्मू में आया जिस्म फिरोशी का फिर एक मामला सामने। तस्वीरें इस समय हम आपको जम्मू के गुजनगर एमसी डॉलर होटल की बता रहे हैं। जनाब, बीती रात यहाँ बागे बहू एसएचओ आरती ठाकुर की मौजूदगी में होटल के बारे एक नोटिस लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात जनाब आपको बता दें, इस होटल में काम कर रहे एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया, जांच का विषय रहेगा। मगर क्या इस होटल में जिस्म फिरोशी का धंधा किया जा रहा था या इस होटल को बदनाम करने की कोई साजिश कर रहा है, सवाल तो ये बनता है। आइए हम होटल के मालिक से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारा ये कहना है कि एम्प्लॉयज़ को यहाँ से जो लेकर गए हुए हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में अगर हमारे होटल का 1% भी अगर कुछ निकलता है तो वो हम खुद डिपार्टमेंट के होके मैं खुद ही सीज़ कर देंगे हम होटल अपना, ठीक है। क्योंकि हमारे होटल का नोटिस आया हुआ है कि 7 दिन में जवाब दें। जवाब में क्या है कि हमने पूरा जवाब भी दिया और प्लस हमने CCTV फुटेज भी दी और पूरा A to Z हमने पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है। जब पुलिस यहाँ पर आई थी, क्या उस समय पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा यहाँ? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आए कि एक एम्प्लॉयज़ को लेने के लिए आए थे, ये कि इसका नाम आया कोई कासिन वगैरह जो मैटर बना हो उस पर ये एम्प्लॉयज़ का नाम आया हुआ, हमने इसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम इसको लेके जा सकते हैं, हमें ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अब आपका क्या स्टैंड है, आप क्या चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके होटल का नाम भी? इन्वेस्टिगेशन भी फेयर होनी चाहिए, कहीं पे भी वो नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे से कंप्रोमाइज़ करें या हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ करें। कंप्रोमाइज़ वाली कोई बात नहीं है हमारे में। यहाँ पे ये है कि अगर कोई यहाँ पे 1% भी कोई गलती है तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम खुद अपना होटल सीज कर देंगे। जो CCTV कैमराज की फ़ोटोज़ थी वो आपने भी देखी होंगी, क्या उसमें आपको कुछ आपके होटल में ऐसी वैसी कोई गतिविधि जो है वो नज़र आई? 15 साल में एक मोहल्ले में गुजरनगर में होटल है ये, तो आसपास में भी यहाँ पे रेजिडेंशियल भी हैं, सभी रहते हैं, ये वो 15 साल में फुटेज है। और पूरे गुजरनगर के पुलिस स्टेशन वाले भी यहाँ पे हर इवनिंग पे यहाँ पे आते हैं रिकॉर्ड चेक करने के लिए, कौन किसने रूम लिया किसने नहीं लिया, तो आज तक ऐसा कुछ नहीं निकला। और यहाँ तक के इस मैटर में भी इस होटल का कुछ भी नहीं निकला, यहाँ तक के सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ यहाँ से गया हुआ है, उसके जाने के बस इतनी सी बात है, वो यहाँ से ले गए हैं, बस ये था कि वो इस होटल में काम करता था। क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? अब ये साजिश तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में साजिश है कि क्या है, बट ये है कि बेबुनियाद इस होटल को बदनाम किया जा रहा है।